भाई बेहतरीन जोड़ी, अच्छी पार्टनरशिप की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा और रनों में लगातार इजाफा। और एक काफी खुश यहाँ पर पत्रकार बंधु के सभी साथी खिलाड़ी और उनका पूरा ड्रेसिंग रूम। व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर अबुजर पठान जो साहब के द्वारा बेस्ट बॉलर एक ही ओवर में तीन विकेट। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे जो दर्शक भी आए थे और जो भी यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बहुत अच्छा रन किया है, एक वक्त में बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी मीडिया की टीम और जबरदस्त चौके छक्के लगाए थे और आते ही उन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया था। और संजीत कुमार आते हुए फिर से उठा के मारना चाहते थे और बंधु कुमार और सामने क्लियर उठा के खेला है और घुमा के और नहीं एजाज अहमद भी आउट। गेंद अच्छी गेंद और बॉल नीचे रखते हुए बहुत अगले गेंद और उठा के मारा अच्छे रनों से इस तरह से इमामगंज पुलिस प्रशासन टीम का जीत होता हुआ। इस तरह से आज का मैच का आयोजन किया गया था इमामगंज अनुमंडल पुलिस प्रशासन के द्वारा। भूपेश कुमार मेडलवा पहना दीजिए। इस मैच में जीत लिया है सर, आप उधर हो जाइए। हेलो जी सर, पुलिस प्रशासन टीम का पूरा मैच ही पलट दिया था। मैन ऑफ द मैच का सीरीज देखते हुए संजीत कुमार शानदार बैटिंग किया था भवानी सिंह की टीम ने और 104 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, लेकिन उतनी ही शानदार तरीके से इमामगंज पुलिस प्रशासन टीम के द्वारा इस मैच को जीत लिया गया। नहीं है कुमार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मेडल के द्वारा। शानदार अजय कुमार एसएचओ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है पंकज कुमार एसएचओ के द्वारा। संजय कुमार मेडल बना करके सम्मानित किया गया। चंदू कुमार उसके बाद नीरज कुमार पंकज कुमार और फिर आएंगे भूपेंद्र आएंगे छोटू सिंह उसके बाद मोनू सुमित कुमार उसके बाद आएंगे उसके बाद कुंदन प्रशासन के साथ जिसमें प्रशासन ने इमामगंज अनुमंडल पुलिस प्रशासन के द्वारा सेल की है जिसमें संजीत कुमार ने शानदार बैठा। अब विजेता टीम के कैप्टन मेयर एजाज अहमद इस तरह से आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होगा। आज का मैच